लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कुत्ते जा मंदिर कुत्ते हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरा एनिवर्सरी का दिन 18 फरवरी और आज मैं आज सुबह सवेरे माँ काली के मंदिर जा रही थी, तो वही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब मिट्टी का बना हुआ है जो मैं पहनी हूँ ना, ये सब मिट्टी का बना हुआ है। रीना दीदी के घर पे एक लेडीज आई थी, वो देखेगी बेच रही थी मतलब। और ये मेरा तीसरा एनिवर्सरी है, मैं और मेरे हस्बैंड हैं, वो जा रहे थे और कार में ही जा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, बारिश भी हो सकती है। कितना जाम लगा हुआ है ना, इधर रोड बन रहा है इसलिए, है ना। एक भी पुलिस भी नहीं है कि थोड़ा सा वो करे करके दिखाए। पुलिस क्या करेगी इसमें? अरे तो ट्रैफिक पुलिस वाले लोग दिखाते हैं ना रास्ता वगैरह। इन ऑटो वाले लोग को तो और जल्दी रहता है, ज्यादा सबसे ज्यादा जल्दी इन्हीं ऑटो वाले लोग को रहता है, वो कहीं भी डाल देते हैं गाड़ी को। पानी गिर के यहाँ पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, यहाँ का रास्ता एकदम बेकार है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे माँ काली के मंदिर में आ चुके हैं। तो मैं एनिवर्सरी के दिन ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, कहीं जाती भी नहीं हूँ, लेकिन मंदिर में मैं आती ही हूँ क्योंकि यही एक दिन होता है जिसमें मैं साल भर में एक बार मंदिर आ जाती हूँ, या तो एनिवर्सरी में, या तो बर्थडे में, या फिर जीत के बर्थडे में। ये 3 दिन होता है जिसमें से मैं कोई भी एक दिन, या तो फिर अगर मेरा ठीक रहती हूँ मैं, तो तीनों दिन ही आने का ट्राई करती हूँ। तो ये मंदिर का व्यू है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। और फिर मंदिर में ही हम लोगों ने ये फ़ोटो खिंचाए थे और हम लोग तीनों ने नए कपड़े पहने थे। और ये जो है जीत शंकर भगवान की थोड़ी सी पूजा कर रहे थे, तो ये वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। भगवान हमें बुद्धि दाओ बोलो, ठाकुर हमें बुद्धि दाओ बोलो, हमें भालो मानुष हो जाई जो आवाज आज बोलो तो बाय। मंदिर से आने के बाद मैंने अपने घर की पूजा की थी क्योंकि गुरुवार था और गुरुवार माँ लक्ष्मी का वार होता है, बंगाली लोग ये जानते ही होंगे। तो घर बिठा के पूरा अच्छी तरीके से साफ सफाई करके पूजा करना होता है, तो करीबन 1 घंटा उसमें लग गया। उसके बाद मैंने वेज पुलाव बनाया था, मटर पनीर रायता और पायस मतलब खीर बनाया था, और बैंगन का भजिया बनाया था, लंबा लंबा सा दिख रहा है आप लोगों को। तो यही स्पेशल डिश था जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, फर्स्ट टाइम ही सारी चीज़ें मैंने ट्राई की थी। उसके बाद हम लोग शाम को मॉल गए थे, तो मॉल में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, छोटा छोटा फ़ोटो है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं मॉल ये दूसरी बार ही जा रही हूँ, करीबन मेरी शादी को 3 साल हो गया लेकिन मैं मॉल में सिर्फ तीसरी बार ही जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी तो मिलती ही नहीं है उनको, बस संडे भी अगर छुट्टी रहता है ना तो उसमें भी वो कहीं काम में चले जाते हैं। तो हम लोग सोचा कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसको मॉल में लेके जाते हैं, थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, दिन भर वो भी घर में ही बैठे रहता है। तो बेटे को लेके गए थे मॉल और उसने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, उसके लिए तो ये सारी चीज़ें नई ही थी। मंदिर भी वो करीबन अभी पहली बार ही गया था 2 साल में, तो यहाँ पे वही हम लोग एस्केलेटर में चढ़े थे, तो थोड़ा थोड़ा सा वीडियो मैं बना रही थी। चैनल अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये हम लोग थोड़ा सा फूड जोन में आए थे कुछ खाने के लिए, कुछ ऑर्डर तो नहीं किए, बस एक पिज्ज़ा और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किए थे। केक हम लोग लेके गए थे घर पे ताकि मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट कर सके, और थोड़े से स्नैक्स लेके गए थे क्योंकि शाम को उनको भी कुछ खाने का मन करता है, तो केक के साथ कुछ स्नैक्स लेके गए थे। और वहीं पे मॉल पे मैंने ये फ़ोटोज़ ली थी।
और ये रहा हमारे एनिवर्सरी का केक। बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं है क्योंकि मुझे सिंपल ही चीज़ें पसंद हैं। बस यहीं पे ही हम लोग का जो एनिवर्सरी है वो बस इतना ही है। ज़्यादा बड़े लेवल पे हम लोग नहीं करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, छोटा मोटा ही बनाते हैं और खुश रहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।